हेलो एवरीवन, दिस इज मी गरिमा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गॉसिप विद गरिमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का जो वीडियो है वो बेसिकली किस पॉइंट पर बेस्ड है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से मेरा पेज है। और साथ ही आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पर भी गॉसिप विद गरिमा के नाम से मेरा पेज है, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो भी बातें आपके मन में हैं, वो आप मुझे वहां पर बता सकते हैं। और साथ ही जिन टॉपिक से जुड़े आप वीडियोस देखना चाहते हैं, जिन टॉपिक से जुड़े कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो वो टॉपिक्स भी आप मुझे इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं आने वाले जो वीडियोस हैं वो उन्हीं टॉपिक्स पर बनाऊं और वो जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का जो मेन टॉपिक है वो आखिर क्या है। देखिए, एक न्यूज चैनल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में ये बात बताई है, लेकिन उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट का क्या काम होता है और कितने लोग होते हैं, किस तरह से काम होता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है, इस वीडियो में आपको ये सब कुछ जानने को जरूर मिलेगा। तो देखिए, प्रोडक्शन के जो बंदे होते हैं वो भी आउटपुट डिपार्टमेंट से ही जुड़े हुए होते हैं, यानी कि आउटपुट डिपार्टमेंट का ही काम होता है प्रोडक्शन का काम करवाना, तो ये लोग भी इसी में शामिल होते हैं। देखिए, एक खबर आई, उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके बाद उसका वीओ कर दिया गया है। अब जो विजुअल्स हैं उससे जुड़े हुए, जो उसके वीडियोज हैं वो आपके पास सेव हैं, लेकिन उसमें से कौन से वीडियोज को उठाकर आप तक टीवी तक पहुंचाना है, कौन सा कितनी देर तक चलना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये सारी जिम्मेदारी होती है प्रोडक्शन के बंदे की। प्रोडक्शन का बंदा, आप सोचिए, आज जैसे आज एक खबर आई कि दिल्ली में जू है, जू में एक आदमी शेर के बारे में कूद गया। अब वो खबर हम तक पहुंची, हमने उसको उठाकर पूरा पैकेज बनाया कि किस तरह से एक मानसिक रूप से जो परेशान था एक व्यक्ति, वो व्यक्ति शेर के बारे में कूद गया। अब उसके बाद हमारे वहां के विजुअल्स भी हैं, हमारे पास वहां के जो आसपास मौजूद लोग थे वहां की बाइट भी है और पूरा वाकया हमारे पास कैद है। हमने उसको लेकर एक पैकेज बना दिया। अब वो पैकेज जाएगा प्रोडक्शन वाले बंदे के पास, हमने स्क्रिप्ट लिख दी, स्क्रिप्ट लिखने के बाद में हमने उसका व्यू भी कर दिया, यानी कि व्यू करने के बाद में अब रेडी है। अब बारी आती है कटवाने की, कि उस पैकेज में कितनी देर तक बाइट लगाएंगे, कब हम विजुअल्स लगाएंगे, कब हमें कौन सा म्यूजिक लगाना है, ये सारी जिम्मेदारी प्रोडक्शन की होती है, किस तरह से उसे किस रोचक अंदाज में आप तक प्रेजेंट करना है। देखिए, क्योंकि हमने जब स्क्रिप्ट लिखी है उस पूरे मैटर पर, तो हमने अपने माइंड में एक पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया है, हमारे दिमाग में पूरा एक स्क्रीन तैयार हो गया है। अब प्रोडक्शन वाले की जिम्मेदारी यही बनती है कि जिस तरह से जो सोचकर हमने वो स्क्रिप्ट को लिखा है, बिल्कुल उसी तरह के विजुअल्स वहां पर आपके सामने होने चाहिए। यानी अगर जो वॉइस ओवर के टाइम पर बोला जा रहा है कि शेर के बारे में इस वक्त ये व्यक्ति कूदा, तो वो विजुअल उस वक्त जब ये पीछे से आपकी आवाज आ रही है, उस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है वो भी उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होता कि हम कुछ बोल और रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ विजुअल कुछ और चल रहा है। सोचिए कितना अजीब लगेगा अगर ऐसा होगा। अब सोचिए, आपके सामने कोई खबर है कि दिल्ली में मौसम बहुत खराब हो गया, भारी बारिश हो रही है। अब सोचिए उस बारिश के दौरान अगर बारिश की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ना होकर वहां पर धूप की तस्वीरें होंगी या फिर ठंडी की तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, तो आपको कैसा लगेगा कि बात तो हम बारिश की कर रहे हैं लेकिन तस्वीरें जो है वो ठंडी की दिखाई पड़ रही हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे और बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत होता है। और इसी सब की जिम्मेदारी होती है प्रोडक्शन की, तो इन चीजों का विशेष ध्यान प्रोडक्शन वालों को रखना होता है। और साथ ही उस खबर से जुड़ी हुई जो वॉल होता है, यानी कि एंकर वॉल, जो एंकर के पीछे का क्रोमा होता है वो किस तरह से कटना है, बैकग्राउंड क्या होगा, जो ग्राफिक्स हैं वो किस तरह से बनेंगे, स्टिंग कौन सा लगेगा, मोन्टाज कौन सा लगेगा, ये सारी जिम्मेदारी प्रोडक्शन की ही होती है। और साथ ही वीडियो एडिट करवाना, पूरा का पूरा पैकेज कटवाना, ये सब भी प्रोडक्शन के अंदर ही आता है। तो प्रोडक्शन वालों के पास बहुत अहम काम होता है और बहुत जिम्मेदारियां भी होती है। अब सोचिए, आपने कोई लिखा, तो बेसिकली अगर कोई गलती जो टीवी पर जाती है उसके लिए हमेशा वीडियो एडिटर सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होता। सोचिए, आपने पैकेज लिखा, उसमें आपने उसे लिख कर दे दिया है, टॉप बैंड में कोई गलती है, या फिर अगर आपके उसमें जो बाइट में आप लिखते हैं, आप देखते कभी भी अगर कोई, जैसे हमने बाइट ली, जब हमारा रिपोर्टर किसी से बात करता है, स्थानीय लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो उस दौरान जो वो बोल रहा होता है, जो भी व्यक्ति सामने होता है बाइट दे रहा होता है, उसका पूरा परिचय लिखा होता है। सपोज मुख्य सचिव ने बाइट दिए किसी मुद्दे को लेकर, तो मुख्य सचिव ने अगर बाइट दी है तो उसकी जगह पर उनका परिचय सही से उनका नाम लिखा होना चाहिए, मुख्य सचिव लिखा होना चाहिए। अगर उसमें कोई गलती जाती है तो ये जिम्मेदारी भी प्रोडक्शन की ही होती है। यानी प्रोडक्शन वाले ने उस बाइट के स्टन पर नजर क्यों नहीं डाला कि जो मुख्य सचिव लिखा है वो सही तरह से लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा है। लिखने वाले की गलती जरूर है, उसको भी डांट पड़ सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसमें प्रोडक्शन वाले बंदे की ही मानी जाती है। तो अगर कभी भी आप प्रोडक्शन में जाते हैं, वहां पर कोई काम करते हैं, तो इन चीजों का विशेष ध्यान आपको रखना होता है।
अब सोचिए आज जैसे करवा चौथ है, अब करवा चौथ को लेकर आज हमने पैकेज कटवाए, तो करवा चौथ से अगर हमने पैकेज लिखा है तो करवा चौथ पर करवा चौथ से जुड़े हुए विजुअल्स भी हो रहे हैं। अब जैसे सपोज हम कोई कहानी बता रहे हैं कि करवा चौथ आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का जो भी पौराणिक कथाएं हैं वो हम उनका जिक्र कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन्हीं तरह के वीडियोज फिर चाहे हमें नेट से निकालने पड़े या फिर हम ला सकते हैं तो वो वैसे ही वीडियोज। अगर हम उसमें ये दिखा रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से खुश हैं, किस तरह से तैयारी करी है करवा चौथ की, तो फिर हम तैयारियों के विजुअल्स दिखाएंगे, हम बाजार के विजुअल्स दिखाएंगे कि किस तरह से महिलाएं बाजार जा रही है, बाजार में शॉपिंग कर रही हैं, कितने खुश हैं। तो इस तरह के अगर वीडियोस टीवी पर दर्शकों के सामने होंगे तो दर्शक जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उस पैकेज से, आपकी उस खबर से। तो प्रोडक्शन की बहुत अहम जिम्मेदारी होती है और पैकेज से जुड़ी हर एक चीज उनके हाथ में होती है, वो हर एक चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो भी चीजें उसमें गई हैं, कितने मिनट की, कितने सेकंड्स की चीजें। सपोज आपने पूरी स्टोरी एडिट करवाई और कई बार ऐसा होता है कि उसे बोलता था कि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि टेलीविजन पर जो चीजें होती हैं वो मिनट नहीं बल्कि सेकंड्स काउंट किए जाते हैं, तो आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको बाइट कितनी बड़ी रखनी है, आपको विजुअल कितने बड़े रखने हैं, एम्बियंस कहां पर आपको डालना है। अगर कोई धार्मिक खबर है तो उसमें आपको वैसी ही म्यूजिक डालनी है ताकि जो लोग हैं वो कनेक्ट कर पाएं, वो देखें, अट्रैक्ट हों आपके स्क्रीन के लिए। तो ये सारी चीजें आपको प्रोडक्शन में रहते हुए ध्यान देनी चाहिए। और साथ ही अगर आप प्रोडक्शन में काम करते हैं तो आपको बहुत आपके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि पत्रकारिता का कोई भी नियम न टूटने पाए। अब सपोज कोई नाबालिग बच्चा है, उसे किसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, देखिए आप पत्रकारिता ये कहती है कि किसी की पहचान हम उजागर नहीं कर सकते नाबालिग की, तो अगर सोचिए आपके पास विजुअल्स आए हैं उस बच्चे के, उस बच्चे का वीडियो है जिसमें पुलिस उसे गिरफ्तार करी है, या फिर उस बच्चे का उसमें नाम है जिससे कि उस इंसान की पूरी पहचान की जा सकती है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसका चेहरा एडिटर के माध्यम से ब्लर करवाया जाए, या फिर कोई ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें बहुत ज्यादा गाली गलौज है, कोई भी ऐसी चीज जिसे देखकर लोगों के बीच बवाल मच सकता है, लोग परेशान हो सकते हैं, उन चीजों को आपको अपने दर्शकों को नहीं दिखाना है। कई बार आप टीवी पर देखते होंगे कोई वीडियो चलता है, कोई लड़ाई झगड़े का वीडियो होता है जिसमें गाली गलौज होता है, तो वहां पर बीप बीप की आवाज आपको सुनाई देती है, वो बीप की आवाज इसीलिए लगाई जाती है ताकि कोई भी गलत चीज हमारे दर्शकों तक ना जाए, कुछ भी ऐसा हमारे दर्शक ना देख पाए जो सही नहीं है, तो उन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, वरना आप पत्रकारिता के नियम को तोड़ रहे हैं और बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हैं जो कि पत्रकारिता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। और देखिए लाइक सपोज कोई बुलेटिन कट रहा है तो उस बुलेटिन में अगर आपको जो एचएल मतलब की हेडलाइंस जो हमारी चलती हैं वो भी किस तरह से कट रही हैं। देखिए कई बार होता है कि हमारे पास जब कुछ नया नहीं होता, नई खबरें नहीं होती, तो बुलेटिन में हमारी एचएल रिपीट होती हैं, तो रिपीट आप रिपीट अगर कर भी रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो एचएल रिपीट हो रही है उसका विजुअल्स जो वीडियो है उस पर वो चेंज कर दे, ताकि लोगों को ये ना लगे जब भी वो टीवी खोले कि हर बार ये तो यही खबर दिखाते रहते हैं, तो वो आपके चैनल से बोर हो जाएंगे और आपका चैनल नहीं देखेंगे, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। या फिर अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो उन खबरों का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, उसे हमेशा चेंज कर दें, ताकि जो बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आपका जो बुलेटिन है वो पूरा पूरा रिपीट कर दिया गया है, इससे दर्शक आपके चैनल से मतलब उनका मन नहीं लगेगा और वो यही सोचेंगे कि ये तो रिपीट दिखाते हैं और आपके चैनल से वो स्विच कर जाएंगे, जो आपके चैनल के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो वैसे तो प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें होती, मैंने आपको पहले बताया, और जो आउटपुट के लोग होते हैं उन्हें कभी भी कोई भी काम दे दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप प्रोडक्शन में नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये काम करना पड़ सकता है, यानी सोचिए कोई प्रोडक्शन का बंदा नहीं है, कभी कभी होता है कि मैन पावर कम हो जाती है, तो आपने पैकेज खुद लिखा है और आपको अपना पैकेज खुद ही कटवाना भी पड़ सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए और आप उससे जुड़े हुए पूरे विजुअल्स निकाला सीखिए कि किस तरह से जो टॉपिक है हमें उससे जुड़े कैसे वीडियोज चाहिए, कैसे हमें उससे जुड़े स्टिल्स चाहिए, कैसा म्यूजिक चाहिए, क्या कुछ चाहिए, ये सब आप जरूर सीख लीजिए, क्योंकि आउटपुट में अगर आप हैं, आउटपुट में अगर आप काम करते हैं तो आपको कभी भी प्रोडक्शन का काम भी करवाना पड़ सकता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप गॉसिप विद गरिमा देखते रहिए, और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आने वाले वीडियोस उन्हीं टॉपिक्स पर बना सकूं। फिलहाल के लिए शुक्रिया।